प्रॉब्लम नंबर 34 है भाई, ये वेरी शॉर्ट का है, सैंपल पेपर में है सीबीएसई के, तो पढ़ लो इसको भी, क्या चला जाएगा कि आपके पास से कुछ अगर आप इसको पढ़ लो, नहीं लेकिन काम में जरूर आ जाएगा, क्योंकि एक ये दो नंबर में क्वेश्चन फंसेगा। आपसे कह रहा था द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थर्मल न्यूट्रॉन्स वो होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के पर डिपेंड करती है, जिसकी वैल्यू होती है के टी। मोस्ट प्रोबेबल केस में थर्मल न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के टी होती है। आपसे कह रहा है, आपसे ये भी कह रहा है, टेकिंग द मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड इट्स एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ एम एंड लैम्डा बी। लैम्डा बी जो है ये न्यूट्रॉन की, थर्मल न्यूट्रॉन की वेवलेंथ है, जहाँ पर एम जो है वो थर्मल न्यूट्रॉन का मास है। तो आपसे कह रहा है स्टेट द डिपेंडेंस ऑफ लैम्डा बी ऑन मास एम एंड थर्मल टेम्परेचर टी, डिपेंडेंसी बताओ। तो चलो बता देते हैं, आपको पता है कि लैम्डा जो होता है वो एच अपॉन पी के बराबर होता है, अगर आपने मैटर वेव पढ़ रखी हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। पी क्या है? मोमेंटम है, इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट टू एम के। अब आपको पता है कि के क्या है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी। बाय द वे अभी आपने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी थर्मल न्यूट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी के टी होती है, तो इस काइनेटिक एनर्जी थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए के टी रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह के टी रख देंगे, स्मॉल के है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट वाला टी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है थर्मल न्यूट्रॉन्स की वो मास पर डिपेंड कर रही है और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। आप ये भी कह सकते हैं मास और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा कि वेवलेंथ जो होती है मास के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। क्लियर हो गए यहाँ से? चलिएगा अगली प्रॉब्लम, आपसे मुलाकात करता हूँ। सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर लिख कर याद करो, ठीक है?